देखिए इससे क्लियर है कि ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा, जिसका ऑर्डर ऊपर वाला बार काउंट करिए, 1, 2, 2, नीचे 1, 2, 3, 2, 3 टाइप का होगा। 2, 3 टाइप मतलब 1+1, 2, 2+1, 3, 2, 3 टाइप का है, मतलब इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप 2, 3। नेक्स्ट लिखिए, कॉन्ट्रैक्शन, इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, घटाना मतलब इंडेक्स को घटाना। इसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी टेंसर हमारे पास है, मान लीजिए ए आई जे के एल एम, टाइप है इसका 1, 3, किन्हीं भी दो इंडेक्स को आपस में बराबर कर देते हैं। जब दो इंडेक्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो मिला है वो 1, 2, 3 था, ये 1, 2 टाइप का है, मतलब इसमें से एक कम हुआ, इसमें से एक कम हुआ, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक कंट्रा वेरिएंट पोजीशन से एक इंडेक्स को वेरिएंट पोजीशन के एक इंडेक्स के बराबर हो जाता है। ऐसे में जो नया टेंसर मिलता है वो आपका को वेरिएंट कंट्रा वेरिएंट पोजीशन पे एक एक कम हो जाएगा, इसको इस प्रोसीजर को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहा गया, कोई भी टेंसर लीजिए, इसमें कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट पोजीशंस के एक एक इंडेक्स को बराबर कर दीजिए, जो रिजल्टिंग टेंसर होता है वो कंट्रा वेरिएंट पोजीशन में एक कम, को वेरिएंट पोजीशन में एक कम हो जाता है। ऐसे टेंसर्स की इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी टेंसर के कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट पोजीशन के एक एक इंडेक्स को बराबर कर देते हैं, जो नया टेंसर आता है वो उसका कंट्रा वेरिएंट को वेरिएंट पोजीशन में एक एक इंडेक्स कम हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में लिख लीजिए, एनी मिक्स्ड टेंसर may be contracted, any mixed tensor may be contracted giving a tensor, whose order is less than by 2, to that of the original tensor. Full stop. The process of contraction. Consist putting one of the covariant index, equal to the one of the contravariant. इस पे बेस्ड थ्योरम लिखिए, आफ्टर वन कॉन्ट्रैक्शन, कॉमा The order of a tensor is reduced by two.
इज रिड्यूस्ड बाय टू कॉमा वन इन कंट्रावेरिएंट पोजीशन एंड वन इन कोवेरिएंट पोजीशन, वन इन कंट्रावेरिएंट पोजीशन एंड वन इन कोवेरिएंट पोजीशन। देखिए मान लेंगे ए आई जे के एल एम कोई टेंसर है ऑफ ऑर्डर 2.3 टाइप का, लेट ए आई जे कॉमा के एल एम, लेट ए आई जे के एल एम मीन बी द कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप 2.3 इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बार आई जे के एल एम इज इक्वल टू ए पी क्यू आर एस टी, पांच इंडेक्स है तो पांच बार डेल एक्स बाई डेल एक्स आएगा, पी क्यू ऊपर तो पी क्यू नीचे, आर एस टी नीचे आर एस टी ऊपर, बार के साथ आई, बार के साथ जे, बार के साथ के एल एम, ठीक है। अब इसमें क्या करिए कि नहीं, दो इंडेक्स को बराबर कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टिंग इंडेक्स जे बाई एम एंड देन समिंग कॉमा वी गेट, मिलेगा ए बार आई एम के एल एम इज इक्वल टू ए पी क्यू आर एस टी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स जे की जगह आप एम कर दीजिए, डेल एक्स क्यू डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एल, ये आया। दिस इंप्लाइज ए बार आई एम के एल एम इज इक्वल टू ए पी क्यू आर एस टी, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल होगा, आएगा डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी, ये कैंसिल होगा, डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एल। ए बार आई के एल इज इक्वल टू ए पी क्यू आर एस टी, इसकी जगह क्रॉनिकल डेल्टा टी क्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एल। ए बार आई के एल एम लिख दीजिए, क्या करना है, ए टी से टी कटेगा, पी क्यू आर एस क्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एल। इसको अगर आप देखें तो ये कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर होगा टाइप 1.2। इसका क्या मतलब हुआ कि एक इसमें से घट गया, एक इसमें से घट गया, मतलब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन उसका ऑर्डर 2 से इंक्रीज होता है, एक कंट्रावेरिएंट पोजीशन में एक कोवेरिएंट पोजीशन में। नेक्स्ट हेडलाइन है, समझ लीजिए क्या है, इनर प्रोडक्ट।
इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट दो प्रोसीजर से मिलकर के बनता है, आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दो टेंसर लीजिए, ए आई जे के और दूसरा है बी एम एन। दोनों अलग अलग टाइप, अलग अलग ऑर्डर के, दोनों का आउटर प्रोडक्ट लिया तो एक टेंसर मिलेगा ये। फिर कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए, इस इंडेक्स को किसी एक इंडेक्स के बराबर कर दीजिए, तो इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये 1.2 टाइप का था, ये 1.1 टाइप का था, आफ्टर आउटर प्रोडक्ट ये हमको 1+1 2, 2+1 3 टाइप का मिलेगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक एक से घट जाएगा, 1.2 टाइप का मिलेगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट लीजिए, फिर उसका एक बार कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, प्रूफ दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ, प्रूफ दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ प्रूफ दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर इज अ स्केलर इनवेरिएंट। प्रूफ दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर इज अ स्केलर इनवेरिएंट। सबसे पहले हम लोग कंट्रावेरिएंट वेक्टर लेंगे, यू आई वेक्टर है एक इंडेक्स, कोवेरिएंट वेक्टर लेंगे वी जे, इसका इनर प्रोडक्ट दिखाना है। सबसे पहले यू बार आई, अगर आपका कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक इंडेक्स एक बार डेल एक्स बाय डेल एक्स, आर ऊपर आर नीचे आई, इक्वेशन नंबर 1। ये भी आपका कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, तो वी एस डेल एक्स बाय डेल एक्स, एस नीचे एस ऊपर जे, इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग आउटर प्रोडक्ट, सबसे पहले इनका आउटर प्रोडक्ट लेंगे, आएगा u बार i v बार j u r v s डेल एक्स बार i अपॉन डेल एक्स r डेल एक्स s अपॉन डेल एक्स बार j। फिर कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग इंडेक्स i एंड j एंड देन समिंग कॉमा वी गेट, मिलेगा u बार i v बार i इज इक्वल टू u r v s डेल एक्स बार i अपॉन डेल एक्स r डेल एक्स s अपॉन डेल एक्स बार i। दिस इम्प्लाइज u बार i डॉट v बार i u r v s कटेगा डेल एक्स आर बाई डेल एक्स एस, यू आर वी एस क्रॉनिकल डेल्टा आर एस। दिस इम्प्लाइज यू बार आई वी बार आई इज इक्वल टू आर, सॉरी ये एस है ये आर है, एस है ये आर है, कटेगा एस से एस, आएगा यू आर वी आर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u बार i v बार i इज इक्वल टू, अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं, डमी इंडेक्स i नहीं है, i से ही चेंज कर दीजिए, ये कहलाता है स्केलर इनवेरिएंट, क्योंकि ये LOT को सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसा इधर दिखता है वैसा इधर, इसको कहते हैं स्केलर इनवेरिएंट।
चलिए एक नया क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क लीजिए इसको, लिखिए शो दैट एनी इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, शो दैट एनी इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर हुज कंपोनेंट आर ए पी आर बी क्यू एस टी, शो दैट एनी इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर हुज कंपोनेंट आर ए पी आर बी क्यू एस टी इज अ टेंसर ऑफ रैंक थ्री, इज अ टेंसर ऑफ रैंक थ्री। हिंट लीजिए, इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिएगा, इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आउटर प्रोडक्ट लीजिएगा, इसको और इसको बराबर कर दीजिएगा, अपने आप आपको 2,1 दैट इज 3 ऑर्डर का टेंसर मिल जाएगा। इसको करके लाइएगा, थोड़ा सा बचा इसमें वो कल बताएंगे।